अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं विद चिकन एंड वेजिटेबल्स। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे शो पे आज हायर का कुक स्मार्ट विथ हायर ग्रिल एंड माइक्रोवेव है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, उसमें ऑटो कुक है, डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ऑटो डिफ्रॉस्ट है, और बहुत ही आराम से आप पुडिंग्स, केक्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। सो हम बना रहे हैं आज माइक्रोवेव बनाना पुडिंग। बहुत ही आसान है। मेरे पास जो अज्जा है वो मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या है। 100 ग्राम मक्खन है, ठीक है। 2 केले मैंने स्लाइस करके यहाँ रख दिए हैं, 1 केला मैंने स्लाइस करके ऊपर रखने के लिए अलग से रखा हुआ है। 100 ग्राम ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर हमेशा लाइट होती है, तो उसको ज़रा पैक करके दबा के भरिएगा। 2 अदद अंडे हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर है यानी सिनेमन पाउडर, और मैदा है छान के मैंने यहाँ रख दिया है, वो भी 100 ग्राम है, और 2 से 3 टेबलस्पून दूध जाएगा। अब आप एक छोटी सी डिश लीजिएगा जो माइक्रोवेव में जाए, मसलन कांच की इस तरह की डिशेज़ जो होती हैं, ठीक है, पायरेक्स की जो होती हैं वो, और सारी चीज़ें हमें मिक्स करके इसमें रख देना है टू बेक। यहाँ जो मक्खन है उसको मुझे पहले पिघलाना है। सो हायर का जो बिल्ट इन माइक्रोवेव है उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और उसको हम पिघला के फिर इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें बस मिक्स करके रख दीजिए। बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बोल ले लेते हैं, मक्खन, फिर उसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर, डालेंगे 2 अदद अंडे, सो एक के बाद एक, एक अच्छी तरह पहले जब अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब आप फिर उसमें दूसरा अंडा डालिए, अब ड्राई चीजें एक साथ हमेशा मिक्स करते हैं, सो मैदा, बेकिंग पाउडर और दालचीनी का पाउडर, ठीक है जी। पहले जो 2 अदद केले स्लाइस करके रखे हैं यहाँ वो जाएंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर और दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा दूध, हर चीज़ आपने अच्छी तरह मिक्स करनी है। इसको हम सर्व करेंगे कैरमल सॉस के साथ। कैरमल सॉस कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया है चूल्हे पे, और फिर जो हम बड़े पतीले में पानी रख के पूरा कंडेंस मिल्क का बंद टिन करते हैं वो भी। सो एनी वे यू लाइक। अच्छा जी, ये चला गया। अब देखें, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, ऐसे करके उठाएंगे तो गिरे, इसका मतलब है आपको और इसमें मज़ीद मैदा नहीं शामिल करना है, सॉरी, इसका मतलब है आपको इसमें और मज़ीद दूध नहीं शामिल करना है, ठीक है। दिस इज़ डन, इट्स रेडी। एक दफ़ा हम इसको घुमा लेते हैं। अब जिस डिश में आपने इसको बेक करना है अच्छा जी, अब आपने इसको ग्रीस किया, फिर हम
और इस पे आपने केले के स्लाइसेस रख दिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हायर के माइक्रोवेव में बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पहले आप ये प्रेस करेंगे और मैं इसको हाई पे 8 मिनट के लिए बेक करूंगी, ठीक है। ओके जी, बहुत आसान था माइक्रोवेव बनाना पुडिंग यूजिंग हायर्स माइक्रोवेव अवन। इसमें मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया था हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव में, मैंने उसको पिघला दिया, फिर मैंने उसमें 2 अदद केले मैशअप करके या स्लाइस करके आप डाल दीजिए, 100 ग्राम लाइट ब्राउन शुगर थी, 2 अदद अंडे थे, 100 ग्राम मैदा था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 टेबलस्पून ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर था, 2 से 3 टेबलस्पून आप दूध डालिएगा, हर चीज़ को मिक्स कर दीजिएगा, ग्रीस करके किसी डिश में रख दीजिएगा, कांच का डिश हो, पायरेक्स का डिश हो, उसमें रख के फिर ऊपर से एक बनाना स्लाइस करके डाल दिया था और आप उसको माइक्रोवेव में रख दीजिए, ठीक है। हाई पे 100 पे मैंने इसको रखा है, हाई पावर पे 8 मिनट। 8 मिनट में ये हो जाएगा और आप फिर इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ मेरे पास आइसिंग शुगर है, एक छन्नी है साथ में रखी हुई हमने, और ये है जी कैरमल सॉस। अब कैरमल सॉस के बारे में बता दूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे करिएगा कि आप थोड़ा सा मक्खन पिघला दीजिएगा, उसमें ब्राउन शुगर डाल दीजिएगा, उसमें क्रीम डालिएगा और उसको खूब अच्छी तरह चलाइएगा, झटपट इस तरह का आपका बन जाएगा यूजिंग सम कंडेंस मिल्क, ठीक है। सो ब्राउन शुगर, कंडेंस मिल्क, क्रीम और मक्खन। और अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपको थिक गाढ़ा वाला वो कैरमल सॉस चाहिए तो आप बड़े से पतीला लीजिएगा, उसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क का रख दीजिएगा और उसके बाद उसको 3 से 4 घंटे बिल्कुल हल्के से उस पर पकाते रहिएगा, ठीक है। सिमर करिएगा, पानी सूख ना जाए, पानी खत्म हो जाए तो और टॉप अप कर दीजिएगा, फिर उस टिन को आराम से निकाल के रख दीजिएगा, उस दिन नहीं खोलिएगा, दूसरे दिन उसको खोलिएगा तो थिक कैरमल सॉस बन जाएगा। चलिए जी, मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी ब्रेक से वापस आ गए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी तो मैं यहाँ आई देखने के लिए, एंड इट इज़ बेकिंग। अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद निकालेंगे हम। अच्छा जी, पहली रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, हम क्या बना रहे हैं, चिकन और सब्जियों के साथ, अंडे के साथ स्टर फ्राइड राइस। सो बहुत ही आसान, जल्दी से अभी झटपट बना लेते हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम स्टर फ्राइड चावल बनाते हैं ठंडे होने चाहिए, या बासी चावल हो उससे बेस्ट बनता है। ये मैंने सुबह में बॉईल कर दिए थे ताकि ये ठंडे हो जाएं, फैला के रख दीजिएगा। पहले आप इसमें थोड़ा सा तेल शामिल करिएगा और मेरे पास यहाँ प्याज है, हरी मिर्चों का सॉस है, अदरक लहसुन है, शिमला मिर्च, गाजर, हरा प्याज, नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस, फलियाँ हैं, कोई भी बीन्स ले लीजिएगा, चिली सॉस है और चिकन है। तो सबसे पहले हम प्याज को सॉटे करेंगे, चिकन डालेंगे अदरक लहसुन के साथ और ये सारे सॉसेस, सब्जियां वगैरह, और फिर झटपट चावल स्टर फ्राई। यहाँ मैंने रख दिया है वो सॉस और आइसिंग शुगर, और आइसिंग शुगर को हम छिड़केंगे पुडिंग के ऊपर और फिर ये सॉस ड्रिजल कर देंगे और फिर आप इंडिविजुअल बोल्स में निकाल दीजिए या आप इंडिविजुअल भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वेनिला या फिर बटरस्कॉच आइसक्रीम के साथ। कोई भी सब्जी ब्राउन नहीं करिएगा, बस सॉटे करना है आपने सब कुछ, ठीक है। ये आपने सॉटे किया और फिर आपने इसमें चिकन डाल दिया, लंबाई में कटी हुई चिकन ब्रेस्ट फिले, अब आप इसमें अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। ये लहसुन है चॉप करके या क्रश करके डाल दीजिए और ये अदरक है। फिर जो सब्जी को पहले पकना है वो आप डालेंगे, मसलन यहाँ फलियाँ हैं, बीन्स हैं, ये इनको थोड़ा सा टाइम लगता है तो पहले ये डाल दीजिए।
थोड़ा सा तेल जज्ब हो गया है, तो थोड़ा सा तेल मैं डालूंगी और साथ साथ चिकन को भी सॉटे करते रहिए। बीपिंग साउंड, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस लवली पुडिंग। आप भी जरूर ये रेसिपी को ट्राई करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अगेन थोड़ा पुश बैक कर दीजिए सब्जियों को, थोड़ा सा तेल और, बहुत थोड़ा थोड़ा तेल करके मैं डालती हूँ ताकि इस तरह हो जाए इस्तेमाल। और ये आपने एक अदद अंडा यहाँ डाल दिया। आप अंडे को डाल के कुछ भी नहीं करिएगा, इसको भी नहीं छेड़िएगा। यहाँ आई तो आपको याद दिलाती चलूँ, हमारा हायर का जो एयर फ्रायर है जिसमें उस दिन मैंने केक बनाया था, आप इसमें 200 डिग्रीज पे स्टेक बना सकते हैं, चिप्स हैं, चिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर घर लाइएगा इफ़ यू लुकिंग फॉर अ नाइस एयर फ्रायर। फ्राइज बना सकते हैं इसमें, समोसे, पकौड़े, एवरीथिंग। चलिए अब दूसरी सब्जी डालेंगे, शिमला मिर्च और तो थोड़ा सा सॉटे करते रहिए। गाजर, अब आप इसमें नमक शामिल करिए और कुटी हुई काली मिर्चें। ठीक है, अंडा भी ज़रा तोड़ दीजिएगा। अब हो गया है, हरा प्याज जाएगा बिल्कुल आखिर में। अब सॉसेस जाएंगे, सो यहाँ है हरी मिर्चों का सॉस और चिली सॉस, आप श्रीराचा सॉस भी डाल सकते हैं, कोई भी चिली सॉस डालिएगा। और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसमें मैं चावल शामिल करती हूँ। ओके जी, चलिए अब मैं ये सारे चावल अच्छी तरह टॉस करती हूँ। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी ब्रेक से वापस आ गए हैं, हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब अच्छे से चावल टॉस हो गए हैं, सारी सब्जियाँ, चिकन, अंडा, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डन। ये देखें अब मैंने क्या किया, सोया सॉस इसमें डाल दिया। उसको सोया सॉस डालने के बाद थोड़ा सा आप टॉस करिएगा चावलों को दोबारा। और फिर यहाँ मेरे पास एक बोल है जिसमें हमने तेल लगा दिया है, उसमें हम चावल भर के इसको उल्टा कर देंगे इस प्लेटर पे, ठीक है, छोटे से सर्विंग कर देंगे। और जो पुडिंग रेडी है माइक्रोवेव बनाना पुडिंग, उसको देखिएगा। अच्छा जी, सो यहाँ मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी हम आइसिंग शुगर लेके इसके ऊपर ऐसे छिड़क देंगे और थोड़ा सा जो सॉस है वो ड्रिजल कर देंगे। कैरमल सॉस, और इसको तो आप यहाँ रख दीजिए। प्रेस डाउन करते हैं जब भी बोल में इस तरह चावल भरते हैं, और फिर ओवरटर्न आपको करना है, राइट।
ओके जी, जब तक मैं इसको निकालती हूँ प्लेटर पे, रिकैप दोनों रेसिपीज का चलेगा, आप देखिएगा और नोट करिएगा। माइक्रोवेव बनाना पुडिंग, अज्जा मक्खन 100 ग्राम, केले 2 अदद, लाइट ब्राउन शुगर 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी दार चीनी 2 चाय के चमचे, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर सर्विंग के लिए, टॉफी सॉस सर्विंग के लिए, आइसक्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब, बेकिंग डिश में मक्खन डाल के 30 सेकंड से 1 मिनट मक्खन पिघला लें। अब इसमें 1.5 केले डाल के मैश कर लें, फिर इसमें चीनी, मैदा, दालचीनी, अंडा और दूध मिक्स कर लें। उसके बाद बाकी बचा केला स्लाइस करके इस पर डालें और दोबारा माइक्रोवेव में 8 मिनट राइज होने तक माइक्रोवेव करें। आखिर में टॉफ़ी सॉस ड्रिजल करके सर्व कर दें। चिकन फ्राइड राइस, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, पके हुए चावल 2 कप, अंडा 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद, स्लाइस्ड बीन 10 से 12 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 1 अदद, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 1 चाय का चमचा, केचप 2 चाय के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब, तेल गर्म करके प्याज स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करें और स्टर फ्राई करें, फिर इसमें अंडा डाल के फ्राई करें और स्क्रम्बल कर लें। उसके बाद इसमें लहसुन, अदरक, गाजर, शिमला मिर्च और बीन शामिल करें। अब इसमें सोया सॉस, टोमेटो केचप और ग्रीन चिली सॉस शामिल कर लें। फिर इसमें सब्जियां डालें और पके हुए चावल शामिल करके हरी प्याज और कुटी काली मिर्च छिड़क के सर्व कर दें। यकीनन आपने रेसिपी रिकैप में नोट कर दी होंगी आज की दोनों रेसिपीज़। मैंने आज हायर का माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हुए बनाना पुडिंग बनाया था, जिसके ऊपर हमने छिड़क दिया है आइसिंग शुगर और ये कैरमल सॉस थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया है। ज़रूर इसी तरह ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। और हमने हायर का हब यूज़ करते हुए ये चाइनीज़ एग फ्राइड राइस वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ बनाए हैं। ज़रूर ये भी रेसिपी ट्राई करिएगा। हायर का माइक्रोवेव ओवन जो है वो आपको एक प्रोफेशनल शेफ़ एंड बेकर एट होम बना देता है। ग्रिल फंक्शन के साथ ये है, डिजिटल कंट्रोल है, 8 ऑटो मेन्यूज़ हैं इसमें और मैक्सिमम कुकिंग टाइम 95 मिनट्स है। इसमें आप चीज़ें डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं बाय वेट एंड टाइम। सो आई होप अगर आप भी अपने घर के लिए, किचन के लिए कोई अप्लायंसेस ढूंढ रहे हैं तो हायर इज़ द नेम, ज़रूर खरीदिएगा और इस्तेमाल करिएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा। ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।